आगे बढ़िए। सर्वनाम शब्द जो है उसमें सबसे पहले पुरुषवाचक जो है, तो पुरुष यानी के जो बात कर रहा है वो, जो जिससे हम बात कर रहे हो और जिसके बारे में, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पुरुषवाचक सर्वनाम में तीन भेद आते हैं। सबसे पहले तो खुद के बारे में जब बात होती है तो मैं, हम उसका उपयोग करते हैं। तुम्हारे बारे में बात होती है तो तुम आप, और थर्ड पुरुष तो वो, वे, उस, वैसे शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। तो ये हुआ हमारा पुरुषवाचक। सेकेंड जो है हमारा निश्चयवाचक। निश्चित यानी किसी की चीज का निश्चित है। तो यह वह पीपल का पेड़ है, तो वह पीपल के पेड़, जो पर्टिकुलर पीपल के पेड़ के बारे में बात हुई है तो वह, या फिर यह लड़का है, यह, यही लड़के के बारे में बात करती है। और अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेज पर कुछ पड़ा है या टेबल पर कुछ पड़ा है, तो टेबल क्या हुआ, तो कुछ जो हुआ, कुछ है, पता नहीं है कि क्या, तो कुछ जो हुआ वो अनिश्चित। ये जो दोनों शब्द है वो एक दूसरे से सिनोनिम है। उसके बाद में है संबंध वाचक। तो फर्स्ट उसमें दो सेंटेंस होंगे। पहला सेंटेंस जो है वो दूसरे सेंटेंस के बारे में कुछ बताता है, उसे संबंध वाचक कहते हैं, क्योंकि उससे उसका संबंध जुड़ा हुआ है। प्रश्न शब्द में ही इसकी डेफिनेशन हो चुकी है। प्रश्नवाचक यानी प्रश्न क्वेश्चन पूछा गया है, तुम क्या कर रहे हो, तो क्या क्या हुआ, प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। निज वाचक, निज यानी खुद, स्वयं, तो जिसमें अपने आप, निज, स्वयं, इस शब्द का प्रयोग होता है वो है निज वाचक। अब इसको टेक्स्ट बुक में हम अच्छे से देख लेते हैं एक बार। डेफिनेशन, तो संज्ञा को पुनरुक्ति, मैंने बोला पुनरुक्ति यानी फिर से बार बार उसको ना बोलना पड़े, उसको रोकने के लिए जिस शब्द का प्रयोग होता है वो है सर्वनाम। जैसे कि अभी मैंने बोला मेरी माँ, तो बार बार उसको नहीं, पुनरुक्ति यानी बार बार बोलना, उसको रोकने के लिए जिस शब्द का प्रयोग होता है वो है सर्वनाम। सर्वनाम के भेद जो बोर्ड पर मैंने लिखे हैं सभी यहाँ पर है, और उसकी डेफिनेशन जो है यहाँ पर है। प्रश्नवाचक सर्वनाम तो वक्ता यानी कि बोलने वाला, और श्रोता यानी सुनने वाला, जिसके विषय में की बात हो रही है वो तीनों भेद करवाते हैं, तीनों का भेद करवाते हैं। उसमें सबसे पहले है उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन, जिसमें बोलने वाला खुद के बारे में बात कर रहे हो, तो मैं, मैंने, मुझे, मेरा, ये जो है वो उसके भेद। और मध्यम पुरुष यानी सेकेंड पर्सन, उसमें जो है वो श्रोता यानी कि जिससे आप बात कर रहे हो उसके बारे में बात हो रही है, तो तेरा, तुम, तुमने, तुमको, आप, आपसे, ये वर्ड का प्रयोग होता है। और थर्ड जो है वो है अन्य पुरुष, तो अन्य पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन, उसके बारे में जब बात होती है तो उसमें है उनका, यह, वे, उसका, ठीक है। तो ये शब्द सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम यानी तीन भेद है उसमें, कि हम व्यक्तियों के बारे में जब बात करते हैं, बोलने वाले, सुनने वाले और थर्ड पर्सन, इसके भेद है तीन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुष बोलने वाला, मध्यम पुरुष सुनने वाला, और अन्य पुरुष जो है वो है थर्ड पर्सन, दोनों व्यक्ति होकर तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं वह। उसके बाद है निजवाचक। टेक्स्ट बुक में ध्यान रखिए, निजवाचक सर्वनाम किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा घटना का बोध करवाते हैं उन्हें निश्चित वस्तु के बारे में। जैसे कि उसके एग्जाम्पल दिया गया है कि यह मेरा है, या जिसे बुलाया गया था वह आ गया है, जिसे बुलाया गया था वो निश्चित होती, वही आया है। इसमें ऐसा होता कि कोई आया है तो क्या हो जाता, अनिश्चित। समझ में आ गया। अब अनिश्चित वाचक, तो जिस जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराते, जिसमें दरवाजे पर कोई खड़ा है, टोकरी में कुछ रखा है, किसी ने मेरी किताब ले ली, तो ये किसी, कोई और को क्यों जो है वो क्या हुआ, अनिश्चित वाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न
संबंधवाद। तो जो सर्वनाम शब्द किसी एक संज्ञा या सर्वनाम शब्द का वाक्य में प्रयुक्त होकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करते हैं उसे संबंधवाचक कहते हैं। जैसा कर जो जैसा करता है वह अभी जो करता है वही बनता है। तो जो और वो वैसे प्रथम का वहाँ प्रयोग होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी और उसकी वो जो हुआ सर्वनाम। जैसी करनी वैसी करनी, तो जैसी और वैसी को सर्वनाम। निज या तो खुद के बारे में बात होती है, अपने आप के बारे में, तो वह आप ही गर्जना है आप यानी अपने आप। रंजन अपना काम अपने आप करती है, किसी ने बुलाया नहीं, मैं स्वयं हूँ, स्वयं यानी निज खुद। और सुधा खुद ही बोलने लगी, खुद ही यानी अपने आप। तो इस तरह से छह और भेद है, आपको अच्छे से याद रखने हैं। सेकेंड जो हमारा है टॉपिक वो है विशेषण। विशेषण यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। इसमें जो है विशेषता बताई जाती है किसी भी, हमने संज्ञा यानी नाम, उसकी जगह प्रयुक्त होने वाले शब्द यानी सर्वनाम। और कुछ अच्छा बताते हैं, जैसे कोई के मोहन लड़का है और मोहन होशियार लड़का है, तो होशियार क्या हुआ? विशेषण। अब विशेषता किसकी किसकी बताई? मोहन की, तो मोहन क्या हुआ? विशेष। ये दोनों शब्द आपको ध्यान में रखने हैं, विशेषण और विशेष्य। विशेषण जो है वो उसकी विशेषता, जिसकी विशेषता बताई जाती है। अभी टेक्स्ट बुक में आपको ज्यादा एग्जाम्पल के साथ बताते हैं। और भेद, उसके निशान भेद है गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनाम। अब उसका डिटेल में हम देख लेते हैं। विशेष्य कहते हैं। अब उसके भेद के बारे में बताऊं। सबसे पहला है गुणवाचक। तो जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वाद आदि का ज्ञान कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जिस शब्द से हमें क्या पता चलता है? इसके गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद और ज्ञान। इसका जो गुण यानी कि किसी की अच्छाई या बुराई जो भी है, पर उसके रूप, रंग, आकार सब कुछ इसमें आ गया। जैसे मीठी बोली मन को वश में कर लेती है, ईमानदार व्यक्ति का समाज में सम्मान करते हैं, प्रातःकालीन वायु स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है, हिमालय संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो मीठी, प्रातःकालीन, ईमानदार और ऊंचा, ये क्या हो गया? ये जो है वो है गुणवाचक। अब इसमें आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हैं विशेषण के, आप उसको लर्न कर दीजिएगा। परिमाणवाचक, परिमाण यानी के जो हमें जत्था बताते हैं, संख्या बताते हैं, माप बताते हैं, तो जिसमें नाप तोल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। कि बच्चे ने थोड़ा दूध पिया, बच्चे ने वर्षा होने से खेत में खूब पानी चल गया, अभिनव 2 किलो चावल खरीदे, कमीज सिलवाने के लिए 2 मीटर कपड़ा लाए। अब निश्चय और अनिश्चय, इसमें भी दो भेद है। निश्चय जैसे हमने यहाँ पर सीखा था वैसे निश्चित यानी वो पता होता है कि इतनी ही चीज, और अनिश्चित तो जिसमें पता होता नहीं। 2 किलो चावल लाए, निश्चित हो गया, थोड़े चावल लाए, थोड़े यानी कुछ हमें पता नहीं है, तो वो क्या हुआ? अनिश्चित। अब संख्या, संख्या यानी गिनती, इसमें 1, 2, 3 उसमें संख्या का भेद बोध होता है, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं।
जैसे हमारे विद्यालय में 60 अध्यापक पढ़े तो 60 क्या हुआ संख्या वाचक विशेषण। प्रत्येक विद्यार्थी को मन लगाकर पढ़ना चाहिए और एक विद्यार्थी प्रत्येक का हुआ वो जो है अनिश्चित, उसमें इसमें भी निश्चित और अनिश्चित है। निश्चित संख्या तो जिसने बताया है कि 1, 2, 3, 4, अनिश्चित तो जिसने बताया नहीं है थोड़े कुछ, ये जो हुए वो संख्यावाचक और उसी के विशेषण के एग्जाम। और सार्वनाम है तो सर्वनाम, सर्वनाम जो हमने पढ़ा है संज्ञा की जगह जो प्रयोग होते हैं उसकी विशेषता बताते हैं। वह इसमें जो वर्ड्स यूज होते हैं वो है कुछ, आम, बहुत, दिन, कहे, कई सप्ताह, थोड़े, आदमी, इस तरह के प्रयोग होते हैं। यह विद्यालय प्रियंकर का है, वह अध्यापिका सनातन धर्म विद्यालय में पढ़ती है। तो यह और वह जो है वो ठोस बताया गया है तो वो सार्वनामिक विशेषण। अब आप लोगों को इन चीजों को पर्टिकुलर याद रखना है। यहाँ पर मेरी ये जो लेसन है इसमें इतना ही हमको करना है, उसकी विषय जो परिभाषा है वो सर्वनाम की परिभाषा, विशेषण की परिभाषा, उसके भेद और इसके भेद, सभी लोग इतना ध्यान से बुक में पढ़ लेंगे। ओके, थैंक यू।